गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है अपना, उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हम लोगों ने हल किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट किए थे द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। देयर आर टू पार्ट्स इन द चैप्टर। चैप्टर में दो भाग हैं, पहला भाग जो एल्विन के बारे में बताएगा और दूसरा भाग जो है सहनाई वादक बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जिसको भारत रत्न मिला हुआ उसके बारे में वो पढ़ेंगे हम। अभी हमने एल्विन के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्विन की स्टोरी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर बार रेफरेंस में देता हूँ कि एल्विन जो है एक बधिर लड़की थी, डीफनेस थी जो उसको सुनाई नहीं देता था और वो संगीत में रुचि रखती थी। लेकिन आप सब जानते हैं यदि आदमी को सुनाई नहीं दे तो संगीत को रीड कर पाना, उसको फील कर पाना और उसको धरातल पर उतार पाना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ इस कहानी से हमको ये शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि भगवान यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है। केवल हमें पहचानने की आवश्यकता होती है टैलेंट के और हमारी प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस कहानी में हुआ है वैसा ही होने। अब हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट कर लिए थे। अब वो देखो कितनी बड़ी हुई थी, तब उसके साथ ये घटना घटी, फिर वो सबसे पहले कहाँ गई, उन्होंने कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए, उन्होंने संगीत को किस प्रकार से जीना सीखा। अगर कानों से वो फील नहीं कर पाते तो फिर कैसे वो दूसरे चीज़ों से संगीत को महसूस कर पाती थी और ये दूसरे अंग किस प्रकार काम करते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। अब क्वेश्चन आंसर में भी हमने पहले दो तरह के क्वेश्चन आंसर कर लिए। पहला टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो होते हैं ना, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें से हमने क्वेश्चन कर लिए थे कपल ऑफ सेंटेंस या फ्यू वर्ड्स वाला कर लिए थे दो क्वेश्चन। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया था एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन भी कौन से का करना है आपको, एंसर ईच ऑफ दीज, Answer each of these questions in a short paragraph अबाउट समथिंग, लगभग एस्टिमेंटल 30 वर्ड्स मान सकते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले। कौन सा क्वेश्चन हल करने वाले, क्वेश्चन नंबर जो 2 है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। नेम द वेरियस प्लेसेस, नेम द वेरियस places, name the various places and causes for and causes for which Elvin perform, which Evelyn perform, which Evelyn perform, यानी विभिन्न या उन स्थानों के, यानी name of the various places, विभिन्न स्थानों के नाम बताओ and cause for which, और कारण बताओ which Evelyn perform, जहां जहां पर उन्होंने परफॉर्म्स दी हैं या अपना तो टैलेंट दिखाने के लिए संगीत की संगोष्ठियां करी है, यानी विभिन्न स्थानों और
नेम ऑफ द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज, विभिन्न स्थानों और उनके कारणों को जिनके लिए एल्विन ने परफॉर्म किया है या जिनके लिए एल्विन काम करती थी, ये ऐसी कुछ बातें हैं काम करती है वो आपको बताने। नेम द वेरियस प्लेसेज एंड कोज फॉर विच एल्विन परफॉर्म्स, उन स्थानों और उन कारणों को बताइए जिनके लिए एल्विन कार्य करती थी। तो वो किस चीज़ के लिए कार्य करती थी? कमाने के लिए करती थी, शौक के लिए करती थी, उसका पैशन बन गया था। तो कुछ ना तो कुछ ऐसा कारण आपने पढ़ा है इस चैप्टर में जिसकी वजह से आप इसका आंसर है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखिए, एल्विन परफॉर्म्स एट ए रेगुलर म्यूजिक कंसर्ट्स, क्या करती थी वो? एल्विन परफॉर्म एट रेगुलर म्यूजिक कंसर्न, रेगुलर म्यूजिक कंसर्ट्स, रेगुलर म्यूजिक कंसर्ट्स, रोज वो है अपनी संगीत की जो संगोष्ठियां हैं, म्यूजिक कंसर्ट्स जो है वो आयोजित करती थी या संगीत शालाओं के लिए वादन करती थी। एल्विन परफॉर्म एट रेगुलर म्यूजिक कंसर्ट्स, यानी संगीत की जो वादियां होती है, संगीत की जो संगोष्ठियां होती है वो रोज करती थी। She also gives concerts in prison and by she also gives concerts in prison, यानी वह कैदियों के लिए भी गाना गाती थी, मतलब and hospitals एंड हॉस्पिटल्स या जहाँ हॉस्पिटल में मरीज वगैरह भर्ती होते हैं, प्रिजन यानी जेल में जो कैदी होते हैं उनको भी समय बिताने के लिए, हॉस्पिटल्स यानी जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए भी, विदाउट एनी चार्ज। और इसके बदले में वो उससे कोई चार्ज नहीं लेती, कोई फीस नहीं लेती, कोई पैसा नहीं लेती, केवल वो लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, लोगों को मनोरंजन करने के लिए उनके लिए संगीत का संगोष्ठियां आयोजित करती और उसको उसको परफॉर्म करती थी। सी टेक्स क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, सी टेक क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग म्यूजिशियंस यानी जो युवा संगीतकार थे। सी टेक्स क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा जो संगीतकार थे उनके लिए वो क्लास लेती थी, उन्हें संगीत के का ज्ञान है वो शिक्षा है वो दिया करती थी। She performs music in many other countries also. कहने का मतलब क्या हुआ? Elvin perform at regular music concerts, वो अपनी नियमित संगीत की संगोष्ठियां या संगीत वादियों को संगीत शालाओं में या क्या करती थी? Elvin perform at regular music concerts, वो रोज अपना नियमित संगीत की जो संगोष्ठियां वो आयोजित करती थी। She also gives concerts in prison and hospital without any charge. वह अस्पतालों में या जेलों में बिना किसी पैसे के भी संगीत का
की संगोष्ठियां है वो आयोजित करती थी, उनसे वो कोई पैसे नहीं लेती थी। एंड सी टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा जितने भी थे, युवा जो भी कलाकार थे, युवा जो भी म्यूजिक सीखने वाले थे, वह उन सब के लिए भी क्या करती थी, क्लासें लेती थी। एंड सी परफॉर्म्स म्यूजिक मैनी अदर कंट्रीज आल्सो, और वह विश्व के दूसरे देशों में भी संगीत के लिए आमंत्रित की जाती थी और वहाँ पर भी संगोष्ठियों में वो भाग लेती थी। इसके बाद हम इसके आगे वाला क्वेश्चन से वो देखेंगे। अब इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन से वो मैं आपको भी करवा देता हूँ। ये तो था सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको 32 वर्ड वाला था, एंड लास्ट क्वेश्चन जो अभी करेंगे आंसर, ये 60 वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा? 60 वर्ड्स का। अब हम देखते हैं इस तरीके से एल्विन जो है वो काफी स्थानों पर और काफी उन्होंने कार्य किए, उसके कारण ये रहे थे। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे, कौन से टाइप के क्वेश्चन थे? ये तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब आपके ये तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन क्या है? आंसर द क्वेश्चंस इन टू और, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस इन टू और थ्री पैराग्राफ्स, इन टू और थ्री पैराग्राफ, दो या तीन पैराग्राफों में या पैराग्राफ में उसका आंसर है आप दीजिए, या एस्टिमेटल 60 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? लगभग 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक, हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्विन वॉज ए डीफ गर्ल, सी कांट लियर, सी कांट हियर, उसको सुनाई नहीं देता है। ही इज कंप्लीटली डीफ, यानी वो पूर्ण रूप से बहरी हो गई थी, उसको कुछ भी आवाज लगाओ कुछ सुनाई नहीं देता था। फिर भी वो संगीत के क्षेत्र में इतनी प्रगति करती है कि वो एक स्टारडम जो उन्होंने प्राप्त किया, वो कैसे प्राप्त किया, उसकी ब्रिस्ट्री आपको यहाँ कहानी जो है वो 60 शब्दों में बयां करनी है, उसका आंसर है आपको बताना है। अब देखो एल्विन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आपने उस चैप्टर के अंदर पढ़ी है, और उस चैप्टर के हिसाब से ही आपको इसका आंसर है वो सॉर्ट आउट करना। देखिए, एल्विन कुड नॉट हियर म्यूजिक, सबसे पहले हम बात करते हैं, बड़ा लिखना था, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखेंगे, एवलिन कुड नॉट हियर म्यूजिक। इसका मतलब क्या हुआ? एवलिन कुड नॉट हियर म्यूजिक, कि वो संगीत को नहीं सुन सकती थी। एवलिन कुड नॉट हियर म्यूजिक। इसका क्या है? एवलिन संगीत अपने कानों से सुनती थी, लेकिन एवलिन कुड नॉट हियर म्यूजिक, बट सी फेल्ट बाय, लेकिन किससे महसूस करती थी? बट सी फेल्ट बाय सेंसिंग द नॉड्स, sensing the nods in different parts of her body।
देखिए, एल्विन कुड नॉट हियर म्यूजिक, वो म्यूजिक को अपने कानों से नहीं सुनती थी, बट सी फेल्ड, लेकिन महसूस करती थी बाय सेंसिंग द नॉट्स। सेंस का मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाएं होती है, सेंसवस होते हैं हमारे, जो कानों के अलावा आंख है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, इन सब से वो संगीत को क्या करती थी, महसूस करती थी, फेल्ड बाय सिंगिंग द नोट्स। और नोट्स का मतलब संगीत की जो ध्वनि होती थी उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग अंगों के साथ उनको क्या करती थी, वो महसूस करती थी। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, इसमें पहली बात ये क्लियर हो गई, एल्विन कुड नॉट हियर म्यूजिक बट सी फेल्ट सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो संगीत को सुनती नहीं थी बल्कि शरीर के अन्य भागों के द्वारा महसूस करती थी। व्हेन रॉन फॉक्स, हु इज रॉन फॉक्स, व्हेन रॉन फॉक्स, रॉन फॉक्स इज ए म्यूजिक टीचर हु फाइंड आउट द टैलेंट ऑफ एल्विन या हु सी द टैलेंट ऑफ हर, वह उसका टीचर था जिन्होंने उसके संगीत की प्रतिभा का पता लगाया था। तो रॉन टर्न टू ड्रम्स, टर्न टू ड्रम्स, रॉन फॉक्स टर्न टू ड्रम्स एंड आस्क्ड एल्विन एंड आस्क्ड एवलिन एंड आस्क्ड एवलिन, और उससे पूछा, टू सेंस द साउंड, टू सेंस द साउंड, टू सेंस द साउंड, टू सेंस द साउंड ऑफ हर बॉडी, हर बॉडी। क्या कहा उन्होंने, रॉन फॉक्स टर्न टू ड्रम्स, उन्होंने दो ड्रम जो है अलग अलग ध्वनियों पर बजाए, एंड आस्क्ड एल्विन, और एल्विन से पूछा, टू सेंस द साउंड ऑफ हर बॉडी, क्या आप इस संगीत को अपने शरीर में महसूस कर पा रही है, यू नो यू डोंट हियर, आप नहीं सुन सकती, बट कोई ऐसा और पार्ट है जिसके माध्यम से आपको लग रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको आप महसूस कर पा रही हैं। साउंड ऑफ, देखना, आस्क्ड एल्विन टू सेंस द साउंड ऑफ, द साउंड ऑफ विदाउट हियरिंग, साउंड ऑफ विदाउट हियरिंग, विदाउट हियरिंग, आपको बिना कानों के सुने, विदाउट हियरिंग हर ईयर्स, आपको अपने कानों से सुने बिना, हर ईयर्स। रॉन फॉक्स टर्न टू ड्रम्स एंड आस्क्ड एल्विन टू सेंस द साउंड विदाउट हियरिंग हर ईयर्स, यानी अपने कानों से बिना सुने ही आपको इसको महसूस करना है। She used her upper and lower parts of the body, upper and lower parts of the body, lower parts of the body, यानी शरीर का ऊपर और नीचे का जो हिस्सा था उससे उसने क्या करनी है, महसूस करना। Without hearing, she used her upper and lower parts of the body, शरीर के जितने भी जैसे पैर हैं, हाथ हैं, त्वचा है, आँख है, उनसे उन्होंने फील करने की कोशिश करी, पार्ट्स ऑफ फील, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
टू फील द वाइब्रेशन। उसे क्या महसूस हुआ? देखना, टू सेंस द साउंड विदाउट हियरिंग, हर ईयर्स अपने कानों से नहीं सुनना। सी यूज्ड हर अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फील द वाइब्रेशन, अपने शरीर के ऊपरी और नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें उसे संगीत का कंपन महसूस हुआ। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द वुडन फ्लोर्स, अब वो क्या करती, ये बात तो क्लियर हो गई कि जब वो कान से नहीं सुनती थी तो किस बात से सुन रही थी, शरीर के अन्य अंगों से। अब इसके एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करें, क्या ऐसा पॉसिबल था? तो कोई आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया था चैप्टर में? तो हमने देखा था कि जब वो लकड़ी के फर्श पर वगैरह पे नाचती थी, डांस करती थी, महसूस तो उसे संगीत की, तो क्या करती थी, ही रिमूव्स हिज स्लीपर्स। तो देखना, व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द वुडन, व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द वुडन स्टेज या वुडन फ्लोर कर देते हैं, वुडन फ्लोर। देखिए, व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द वुडन फ्लोर, जब लकड़ी के मंच पर वह परफॉर्म करती तो क्या करती, she removed her shoes while performing on the wooden floor, she removed her shoes and to feel the vibration, to feel the vibration of music, किस बात का vibration, music। तो देखना, फ्लोर, सी रिमूव्ड हर शूज, वह अपने जूते उतार देते टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि को महसूस करने के लिए। विथ हर बेयर फिट यानी अपने नंगे पांवों के माध्यम से, विथ हर बेयर फिट, अपने नंगे पांवों के माध्यम से वो संगीत को क्या करना चाहती थी, संगीत के वाइब्रेशन को पढ़ना चाहती थी, रीड करना चाहती थी। तो व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन वुडन फ्लोर, जब वह लकड़ी के मंच पर परफॉर्म करती या अपना संगोष्ठी का आयोजन करती, तो शी रिमूव्ड हर शूज, तो वह अपने शूज उतार देती थी टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक विद हर बेयर फिट, तो अपने नंगे पांवों से संगीत को के कंपन को महसूस करने के लिए वो ऐसा करती थी। सी लीन्ड अगेंस्ट द ड्रम, जब ड्रम की ध्वनि आती थी, ढोल वगैरह उसमें बजाना होता था, तो सी लीन्ड अगेंस्ट द ड्रम, तो वह ड्रम के ऊपर हावी हो जाती थी, ऐसे ऊपर होकर के, लीन्ड द ड्रम टू फील द रेजोनेंस, टू फील द रिजोनेंस, रिजोनेंस यानी प्रतिध्वनि, टू फील द रिजोनेंस फ्लोइंग, रिजोनेंस फ्लोइंग, ताकि जो म्यूजिक की ध्वनि जो है उसके अंदर प्रवाहित हो सके, टू फील द रिजोनेंस ऑफ फ्लोइंग, रिजोनेंस फ्लोइंग into her body, ताकि संगीत उसके शरीर में प्रवाहित हो सके, संगीत उसके शरीर में बह सके, वो महसूस कर सके। these are some of the ways, वे कुछ प्रकार के ऐसे रास्ते थे, these are some of the ways, ये इस प्रकार से कुछ माध्यम थे जिससे वो क्या कर सकती थी,
दीज आर द वेज थ्रो विच सी लीड म्यूजिक वे विच सी विच सी हियर द म्यूजिक जिसके माध्यम से वो संगीत को क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी या संगीत को क्या कर सकती थी, पढ़ सकती थी। अब देखना इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा देखते हैं। हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक कि एल्विन है वो संगीत को किस प्रकार से सुनती थी। हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मैंने एक एक वर्ड्स को लिखते वक्त आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, हर शब्द का मीनिंग समझाया हुआ है। फिर भी यदि हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं, हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक एल्विन किस प्रकार संगीत को पढ़ती थी। तो देखिए, एल्विन कुड नॉट हियर म्यूजिक वह संगीत को सुनती नहीं थी, बट सी फील फेल्ट बाय सेंसिंग नोट्स ज्ञानेंद्रियों को वह धन जो धुन होती है सी फेल्ट बाय वह महसूस करती थी, सेंसिंग द नोट्स यानी अपने जो सेंस थे उनसे जो संगीत की ध्वनि थी, जो संगीत की जो धुन थी उसको ये महसूस करती थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग जो पार्ट है, शरीर के अलग अलग जो भाग है उससे वो उसको महसूस करती थी। रॉन फॉब्स टर्न टू डॉम्स एंड आस्क्ड एल्विन टू सेंस द साउंड। रॉन फॉब्स जो उसका म्यूजिक टीचर था टर्न टू ड्रम्स यानी दो ड्रम जो है उनको अलग अलग नोट्स पर अलग अलग ध्वनियों पर उसको बजाता है। एंड आस्क्ड एल्विन और आल्विन एल्विन से पूछता है टू सेंस द साउंड विदाउट हियरिंग हर ईयर्स ने कानों से बिना सुने इस ध्वनि को आप महसूस करिए। सी यूज्ड उन्होंने महसूस किया सी यूज्ड हर अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फील द वाइब्रेशन अपने शरीर के ऊपरी और नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे उन्होंने संगीत को महसूस किया, संगीत के वाइब्रेशन को कंपन को महसूस किया। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन द वुडन फ्लोर लकड़ी के मंच पर जब भी वह अपने संगीत की संगोष्ठियां या संगीत को आयोजित करती थी शी रिमूव्ड हर शूज टू फील द वाइब्रेशन सी हर शूज टू फील द वाइब्रेशन यानी सी रिमूव्ड वह उतार देती थी हर शूज यानी अपने जूतों को टू फील द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक म्यूजिक के संगीत को या संगीत की ध्वनि को या संगीत के कंपन को महसूस करने के लिए विद हर बेयर फीट अपने नंगे पांवों के माध्यम से वह संगीत को महसूस करती थी, संगीत को पढ़ पाती थी। टू फील सी लीन अगेंस्ट द ड्रम जब ड्रम को वह बजाती थी तो उसके ऊपर ऐसे ऊपर होकर के बजाती थी ताकि उसकी त्वचा उसका जो शरीर है वो क्या कर सके लीन यानी सी लीड अगेंस्ट द ड्रम टू फील द रिजोनेंस ताकि इसकी प्रतिध्वनि को क्या कर सके वो अपने फ्लो इन द टू हर बॉडी ताकि ड्रम की प्रतिध्वनि उसके शरीर में प्रवाहित हो सके। एंड दीज आर सम ऑफ द वे दीज आर सम ऑफ द वे इस प्रकार के दीज आर सम ऑफ द वे ये इस प्रकार के कुछ तरीके थे विच हियर्ड द म्यूजिक Which heard the music, जिसके माध्यम से which she heard the music, which she और आएगा इधर, which she heard the music, जिससे वह संगीत को सुन सकती थी, जिससे वह संगीत को महसूस कर सकती थी। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर सेकेंड है वो स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास का ये होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।